बड़ी खबर इस वक्त यूपी के बहराइच से आ रही है। बहराइच में स्थानीय प्रशासन का बड़ा एक्शन चल रहा है। इस वक्त जिला प्रशासन की टीम पुलिस की तैनाती के बीच एक पूरी पट्टी पर बुलडोजर चला रही है। समाजवादी पार्टी ने गंभीर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है, फिर ये कार्रवाई कैसे हो रही है। बहराइच के फकरपुर में ये सराय जगना इलाके में कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने यहां तेज इमारतों को गिराने की पहल शुरू की। ये इमारतें अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। समर श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ये पूछ रही है कि जब कोर्ट की तरफ से मनाई तो कैसे चल रहा है बुलडोजर। अर्पिता, यही बात यहाँ पर जब पूछी गई है तो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय आया जो स्पेसिफिकली यहाँ को लेकर था एक पिटीशन के बाद, और ये कहा गया था कि यहाँ पर कार्रवाई होनी है, ये अवैध तरीके से निर्माण यहाँ पर बने हुए हैं। तस्वीरें भी देखिए, यहाँ पर अभी भी यहाँ पर बुलडोजर जो है एक्शन में है, और किस तरह से ये बुलडोजर जो है ये सामने बनी एक इमारत है, पूरा एक घर है जहाँ सीढ़ियां भी हैं, उसको गिराया जा रहा है। यहाँ पर कैमरामैन द्वारा आपको दिखाएंगे कि पूरा का पूरा जो घर है उसको जमींदोज कर दिया गया है। सामने गलियों में लोग खड़े मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पूरा पूरा का पूरा एरिया आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोज किया गया है, तोड़ा गया है। वो सामने की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरा पूरा परखच्चा दुकान का और घर का हटा दिया जा रहा है, उड़ा दिया जा रहा है। यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगा जो यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग पीछे जो देख रहे हैं इस पूरी घटना को, तमाम पुलिसकर्मी हैं। ये भी तस्वीरें देखते चलिए साथ में कि जो मकानों को गिराया गया है, ये पूरा का पूरा परखच्चा, ये जो तस्वीरें आप देखिए कि सारे के सारे मकानों को यहाँ पर गिरा दिया गया है। ये भी एक फ्रेम है कि किस तरह से मकान को, ये देखिए पूरा का पूरा मकान है, इसको बाहर से पूरा गिराया गया है, पीछे से पूरा गिराया गया है। आगे लेकर चलेंगे आपको हम यहाँ से, आप आगे आइए हमारे साथ। यहाँ पर भी तमाम लोग हैं, ये पुलिस की फोर्स यहाँ पर लगी है, वो पूरे पूरे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे क्या आखिर क्या कहानी है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे आप लोग इस पे, जो कार्रवाई हो रही है बात करिए क्या कहेंगे। हाँ, अब सर ऊपर आदेश से हुआ है, जो भी हुआ है कोर्ट के आदेश से, इसके बारे में तो हमें पूरी जानकारी है नहीं। पहले नोटिस आया, उस पर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, संज्ञान में मामला आया नहीं। फिर 18 तारीख के बाद डायरेक्ट आदेश हो गया। इसके बाद आदेश क्या हुआ था, यही नोटिस गिराने का। तो आप लोगों ने फिर हटाया सामान वगैरह? हाँ, सामान वगैरह हटा लिया गया था, और जो भी बचा था वो सुबह आज हट गया था। कितने साल से रह रहे थे आप लोग यहाँ? तकरीबन 40 या 50 साल से रह रहे थे लोग। पहले किसी ने कुछ नहीं कहा था? पहले किसी ने कुछ नहीं कहा सर, ऐसा कभी आदेश जारी ही नहीं, कभी नोटिस आई ना बताया गया कि आप अवैध कब्जा किए हुए हैं, अवैध जमीन पे हैं। आप लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं सर? अब जो गिर रहा है किसी का कुछ है नहीं, तो अब ऊपर वाले की मर्जी, जहाँ होगा वहीं रहेंगे। कुछ प्रशासन से आप लोगों ने रिक्वेस्ट की? कहा गया था, बताया गया था, लेकिन अब आदेश के बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ तस्वीरें हैं, ये पूरे के पूरे मकान कैमरामैन द्वारा आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। उधर भी लेकर चलते हैं आपको एक बार, जहाँ पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है। ये पुलिस की फोर्स आप देखते चलिए किस तरह की है। ये सामने पूरे मकान, कितने आवास ऐसे होंगे, लोग कह रहे हैं कि वहां से बड़ी मुश्किल से उनको जब नोटिस की जानकारी उन्हें मिली नहीं, बाद में उन्होंने घर खाली किया, कितने घरों में ये बुलडोजर चलने वाला है। देखते चलिए कि किस तरह से, सामने की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए कि किस तरह से पूरा परखच्चा यहाँ उड़ गया है। तमाम लोग ऊपर दिखाइए फ्रेम, वो जो ऊपर आपको छतों पे दिखेंगे लोग, यहाँ पर जो पूरा तमाशा यहाँ पर देख रहे हैं, जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसको देख रहे हैं, पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो गया है, और बुलडोजर अब पीछे का हिस्सा गिरा रहा है, जो मैं आपको बता रहा था। अब बुलडोजर जो है वो पीछे का हिस्सा गिराने की कार्रवाई शुरू कर चुका है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आगे आए और ये हिस्सा भी दिखाएं एक बार, कि ये पूरा एक तस्वीर देखिए इसकी, जो पूरा गिरा हुआ है आगे से। अब दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा उसकी, जो इस वक्त गिराया जा रहा है। ये देखिए कि पीछे का इसी घर का पोर्शन है, काफी ठीक ठाक बना ये इमारत है घर का, जिसे कि गिरा रहे हैं यहाँ पर। जेसीबी यहाँ पर पहुंची हुई है, प्रशासन की टीम्स हैं, और बहराइच में ये एक बड़ी कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई कही जाएगी, क्योंकि 23 मकान और दुकान मिलकर गिराना, और फिर पुलिस वाले देखिए लगातार समझा रहे हैं लोगों को कि पीछे की तरफ जाएं। क्या कुछ संदेश दे रहे हैं लोगों को आप? इनको हटाया जा रहा पीछे की तरफ। तो देखिए ये तमाम जो भीड़ है वो भी यहाँ एकत्रित हो गई है, वो भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उसको लेकर तमाम लोग यहाँ पर छतों पर तो है ही है, नीचे भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा। कैसे इस पूरे आप एक्शन को देख रहे हैं बुलडोजर के? हमको नहीं मालूम है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस एक्शन पे लेकर? आप लोग के भी घर है इसमें?
हमारा घर नहीं है। तो कब से है ये सब रह रहे आप लोग? अरे ये तो बहुत दिन से रह रहे हैं। ठीक है समर्थ, जिस तरह ये एक्शन हो रहा है एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन बहराइच में बुलडोजर एक्शन को लेकर तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अवैध दुकानों और इमारतें बनाने वाले लोगों का आरोप है कि उन्हें मुस्लिम होने की वजह से सताया जा रहा है, जबकि मामला कानूनी है और हाईकोर्ट ने भी अतिक्रमण को हटाने का आदेश एक साल पहले ही दे रखा है। ये पूरी कहानी क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। नोटिस के द्वारा अपना कब्जा हटाने के लिए 18/9/24 तक का समय दिया गया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक पूरी बस्ती जो अब तक आबाद थी अब उसकी ईंट से ईंट बच चुकी है। प्रशासन के हिसाब से पूरी बस्ती में करीब 2 दर्जन से अधिक इमारतों को अवैध पाया गया है और उसे हटाने की कार्रवाई चालू है, लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने लाउडस्पीकर से मुनादी कराकर बस्ती में रह रहे लोगों को चेतावनी दे दी थी कि इस मोहल्ले की अवैध इमारतों का अतिक्रमण हटाया जाना है, इसीलिए लोग घरों और दुकानों को खाली कर दें। नोटिस के द्वारा अपना कब्जा हटाने के लिए 18/9/24 तक का समय दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन की ओर से आखिरी चेतावनी के बाद बस्ती के लोगों ने अपनी दुकानें और मकानों को पहले ही खाली करना शुरू कर दिया था। ये देखिए आप सामने वो तस्वीर कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको कि किस तरह से दुकान के शटर्स गिराए जा रहे हैं, जो दुकान की टीन शेड्स हैं उनको भी गिराया जा रहा है, क्योंकि ये सभी जो है ध्वस्तीकरण की रेंज में आने वाला है। इसलिए इन सभी को ये हिदायत दी गई थी कि आप जो है यहाँ से अपना सामान हटा लें वरना नुकसान होगा। इसके चलते अब यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपना सामान भी हटा रहे हैं और जो घर वाले हैं वो घरों के सामान को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। पीछे तक आप देखिए यहाँ पर ये तमाम बड़े बड़े टीन शेड लगे थे ये गिरा दिए गए हैं। पीछे बताया जा रहा है कि जो भी मकान है वो भी बने थे अवैध और उनको भी गिराने की यहाँ पर कार्रवाई। ये इमारतें हालांकि काफी पुरानी है, जैसा कि बता रहे हैं यहाँ होटल्स थे, यहाँ नाई थे जो यहाँ काम करते थे। पीछे चलेंगे जरा और तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर एकत्रित भी हुए हैं। तो फिलहाल बड़ी बात यह है कि जो इनका दावा है लगभग 130 अब मकान और दुकानें मिलाकर अध्वस्तीकरण होना है, हालांकि प्रशासन ने जो आंकड़ा दिया है उसमें कुल मिलाकर जो है लगभग 30 मानकर चलिए जो है दुकानें और घर इनका अध्वस्तीकरण यहाँ पर होना है। हालांकि जिला प्रशासन से लेकर राजस्व विभाग तक के मुताबिक अदालत ने जिन अवैध इमारतों का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है उसमें 23 इमारतों का ही जिक्र है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि ऐसी करीब 130 इमारतें हैं जिसमें दुकानें और मकान हैं। होटल था, उनका परिवार चलता था और कुछ परचून वाले थे, कुछ नाई थे, बेचारे गरीब आदमी लोग थे, ये उन्हीं लोगों का सब बर्बाद हो रहा है। क्या बोला गया प्रशासन से आप लोगों को? ये दुकान खाली कर दीजिए और इसको तोड़ना है। अच्छा। ही बोला। पीछे जो मैं इधर हटी जरा ये पीछे दिखाइए ये कितने घर होंगे यहाँ पे? 129 घर हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि 23 निर्माण है जो तोड़ने हमको। नहीं 129 घर बता रहे तोड़ने के लिए। 129 है? 129 दुकान मकान दोनों मिला के 129 घर हैं यहाँ पर, दुकान और मकान दोनों मिला के 129। ये मामला बहराइच के फखरपुर थाना इलाके के सराय जगना का है, जहाँ हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं खाली किए जाने पर प्रशासन को बुलडोजर एक्शन पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि चूंकि इस बस्ती में 95% से अधिक मुस्लिम आबादी है इसलिए इसे निशाने पर लिया जा रहा है। ये गलत हो रहा है, 50 साल से इन लोग बस्ती में रह रहे हैं और यहाँ पे गलत निर्माण हो रहा है। ये मुसलमान का टारगेट किया जा रहा है, सारे मुसलमान के ऊपर टारगेट हो जा रहा है। देखो आप हैं, ये मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है, गलत हो रहा है। 50 साल से रह रहे हैं बेचारे गरीब मजदूर, कहाँ जाएं ये गरीब लोग, कहाँ जाएं हैं? दुकान चलो माना दुकान। व्यक्ति हैं जिन्होंने पिटीशन डाली उसके बाद इस पूरे प्रकरण को हाईलाइट किया। हाँ, एक आदमी ने खिलाफ नहीं किया उसको सारे लोग परेशान करने लगे हैं। एक आदमी अगर गलत है तो सारे आदमी गलत नहीं है, ये गलत हो रहा है हमारे हिसाब से। इन लोगों का आरोप है कि जब इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास तक के मकान बने हुए हैं, टेलीफोन एक्सचेंज तक बना हुआ है, तो 50 साल से रह रहे लोगों को उजाड़ना अत्याचार ही है। कह रहा है कि ये जो जमीन है ये खलिहान की और सरकार की है। सरकारी जमीन तो बहुत है हिंदुस्तान में, सरकारी जमीन पहले कोई आबादी नहीं थी तो तभी बना के रखा है, तो उसका हसियाना कहाँ है? उसका हसियाना दीजिए ना बना के, भाई गवर्नमेंट का देना चाहिए ना बना के, कि जहाँ है तहाँ देना चाहिए। सच है क्या कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के भी मकान बने? हाँ, आवास भी बने हैं, सब बने हैं। कोई रुकता, प्रधान यहाँ कई साल रह चुके हैं, 15 साल से प्रधान ही चला चुके हैं यहाँ पे, और कभी कोई नहीं हुआ।
अभी थोड़ा सा मिल गया मौका, इसे परेशान कर रहे हैं। लोगों की तमाम शिकायतें हैं जिसे लेकर उन्होंने जनप्रतिनिधि और स्थानीय समाजवादी पार्टी विधायक आनंद यादव से गुहार भी लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस बस्ती को बचाना स्थानीय प्रशासन के लिए संभव नहीं हो सका। समर श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।